Hi guys, welcome back. आज मैं बनाने जा रही हूँ फिरनी, जो पंजाब की एक बहुत फेमस स्वीट डिश है। और गार्निशिंग में मैंने एक ड्राई फ्रूट सॉस ऐड किया है, जो इसको और टेस्टी बनाएगा। और मेरी रेसिपीज अगर आपको पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस रेसिपी को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं फिरनी। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बासमती चावल 1/4 कप। इसको हमें दरदरा पीस लेना है। और मैंने यहाँ पे बासमती चावल को रात भर भिगो के रखा था, ये देखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कम से कम इसको 1 घंटा पानी में भिगो के रखें। कंडेंस मिल्क लिया है मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच। चीनी चाहिए यहाँ पे हमें 1/2 कप। इलायची पाउडर चाहिए 1 छोटे चम्मच, ऐसे पीस लिया है मैंने इसको। केसर के धागे चाहिए 25 से 30। मैंने दूध लिया है यहाँ पे 1 लीटर। इस रेसिपी के लिए आप होल मिल्क का इस्तेमाल करना। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे 7 से 8 बादाम को ऐसे पीस लिया है ग्राइंडर जार में। 7 से 8 पिस्ता लिया है, जिसको मैंने ऐसे स्लाइस कर लिया है। और हमें केसर के धागे चाहिए 10 से 15। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले हमें दूध को यहाँ पे उबाल लेना है। आप एक थिक बॉटम पैन लीजिए दूध को उबालने के लिए। और जब तक दूध उबल रहा है, हम यहाँ पे चावल को ग्राइंडर जार में पीस लेंगे। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए, हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इसको हमें दरदरा पीसना है। अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे और 20 से 30 सेकंड के लिए हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से पीसना है हमें। ये देखिए, दूध का उबलना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। हम इसको बीच बीच में चलाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो दूध नीचे जल जाएगा और फिरनी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो हम ध्यान से इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब चलिए ये पीसे हुए चावल इसमें ऐड कर देते हैं। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए, चावल बहुत जल्दी गुठली बन जाता है, तो तुरंत इसको मिलाना स्टार्ट कर दीजिए। या फिर आप चावल को दूध में थोड़ा सा घोल के फिर आप इसमें ऐड कीजिए, तो गुठली बनने का चांस बहुत कम हो जाएगा। हम इसको ऐसे इस तरीके से बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे हम गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। आप इसको ऐसे बीच बीच में चलाते रहिए ताकि वो नीचे जल ना जाए। ये देखिए, 20 मिनट हो चुका है, दूध काफ़ी गाढ़ा लग रहा है देखने में। बीच बीच में आप जो मलाई जम रही है साइड में, उसको स्क्रैच करके मिलाते जाइए। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो 1/2 कप की जगह आप 3/4 कप चीनी इसमें ऐड कीजिए। और ये केसर भी हम ऐड कर देंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। इसको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और 10 से 15 मिनट के लिए फिर से आप इसको पका लीजिए। ये देखिए, मैंने इसको फिर से 10 मिनट के लिए पका लिया है। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करूंगी। कंडेंस मिल्क को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी में घोल लिया था ताकि उसको मिक्स करने में आसानी हो। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और इसको फिर से बहुत अच्छे से मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे। ये देखिए, 5 मिनट हो चुका है और फिरनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। आपको अगर और थिक कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप और थोड़ा सा टाइम के लिए इसको पका लीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि ये जब ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम पकी हुई फिरनी को एक जगह पे निकाल लेंगे और इसको करीबन 1/2 घंटा ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमें इसको रेफ्रिजरेट करना है कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। तो चलिए, ये जब तक ठंडी हो रही है, हम हमारा गार्निशिंग वाली सॉस बना लेते हैं। इस सॉस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून किशमिश लिया है, जिसको मैंने रात भर भिगो के रखा था। इसको आप ग्राइंडर जार में डाल के इसका ढक्कन बंद करके एक स्मूथ पेस्ट तक ग्राइंड कर लीजिए।
ये देखिए किशमिश का एक स्मूथ पेस्ट बन चुका है यहाँ पे। अब हम इसमें काजू और बादाम ऐड कर देंगे। इसको भी मैंने रात भर भिगो के रखा था, उसके बाद मैंने इसका छिलका निकाल लिया है। अब इसको इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको फिर से ढक्कन बंद करके एक स्मूथ पेस्ट तक ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ये पेस्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें दूध मिलाएंगे। आप पहले ही दूध मत मिलाइए, नहीं तो उसको ग्राइंड करने में आपको दिक्कत होगी। ये करीबन मैंने 1/4 कप दूध लिया है इसको एक सॉस की कंसिस्टेंसी देने के लिए। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून दालचीनी का पाउडर ऐड करूँगी। दालचीनी का पाउडर ऐड करके हम इसको और एक बार मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सॉस हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। अब चलिए फिरनी को देख लेते हैं। ये देखिए ठंडा होने के बाद फिरनी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। अब चलिए इसको सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं इसको रेफ्रिजरेट करने के लिए। ये देखिए फिरनी को हमने निकाल लिया है सर्विंग बोल पे। इसको आप सर्व करने से कम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखें, इससे उसका स्वाद बहुत बढ़ता है। 3 घंटे बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाला है। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अब चलिए इसको गार्निश करते हैं। हम ऊपर से डालेंगे पीसा हुआ बादाम, उसके बाद हम इसमें हमारे तैयार किया हुआ जो सॉस रखा था उसको रखेंगे। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपको मीठा पसंद है तो आप इस सॉस में चीनी ज़रूर ऐड कर लीजिए तो और अच्छा लगेगा आपको खाने में। अब हम इसके ऊपर कटे हुए पिस्ता ऐड कर देंगे और 1 से 2 केसर के धागे रखेंगे। बहुत अच्छा स्वाद देता है केसर फिरनी में। हमारी फिरनी अब सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत क्रीमी बना है, बहुत टेस्टी बनता है ये। आप इसको एक बार ज़रूर बनाइए और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मैं मिलूंगी आपको एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।